वेलकम बैक स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था केमिकल चेंजेस क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस uh, में और फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था uh, आज आपको बताया जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अच्छा वॉट विल हैपन वेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स Uh, क्या होगा जब केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है तो तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आयन और न्यू बॉन्ड्स तक नए आयन का फॉर्मेशन होता है नए बॉन्ड बनते हैं तो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म और उसके बाद क्या होगा नया केमिकल सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इन सम रिएक्शंस हीट इज एबजॉर्ब जनरेटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस सब का फॉर्म जब नया केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर जनरेट होती है केमिकल रिएक्शंस को हम पांच टाइप पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ फाइव टाइप्स एंड इट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस बाई विच द रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म एंड प्रोडक्ट चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन देखो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकेंड है एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर फोरथ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और नंबर फाइव नंबर फाइव क्या है एलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रोलिस दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस नो अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन uh, रिएक्शंस की तो इसमें क्या होता है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज फॉर्म नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मतलब एक सिंगल व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स अ सिंगल जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स एक क, uh, sing, ए, एक यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तब इस टाइप के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं जैसे देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर के साथ मिल रहा है यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम भी बोलते हैं तो ये वाटर के साथ मिल रहा है और इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है स्लेक्ड लाइम बना रहा है तो दो दो रिएक्टेंट हुए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो रिएक्टेंट हैं और इनसे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ क्या निकल रहा है हीट निकल रही है तो इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरलेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेग लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूज इन द एब रिएक्शन इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स क्या इसका यूज कहाँ पे होता है वॉल्स को वाइट वॉश करने में यूज किया जाता है स्लेट लाइम का और कहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि स्लेट स्लेट लाइम जो होती है वो धीरे धीरे रिएक् रिएक्ट करती हैं किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रजेंट है एयर में एंड फॉर्म्स द कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देती हैं कैल्शियम कार्बोनेट बना देती हैं बच्चों देखो एक एक लाइन में आप लोगों को क्लियर करते चल रही हूँ ध्यान से समझते चलिए चल देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक या सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तब इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, वाटर रिएक्टेंट हो गया एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो, जो कि स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ एक सिंगल प्रोडक्ट हुआ ठीक अब यही कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम जो आपका ये बना हाइड्रोक्साइड इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वॉल दीवारों पर जो हम वाइट वॉश करते हैं पेंट करते हैं उसमें यूज़ किया जाता है और जो ये स्लेक्ड लाइम्स होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेती है लेकिन धीरे धीरे रिएक्ट करती है धीरे धीरे रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ मिल रहा है एयर में प्रेजेंट है ठीक और क्या बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा क्लियर हुआ यहाँ तक तो? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकेंड है एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है देखिए आप मोस्टली ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्रोड्यूस हीट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड लुक एट दि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या है कि आ, इसमें कम्बाइंड रिएक्शंस होते से, आप अभी आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा उसी तरीके से इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हीट सभी में हीट निकलता है इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है एक्सोथर्मिक का मतलब ही हीट से है इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है एन टू प्लस थ्री एस टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है दे मेक अमोनिया टू एन एस थ्री और कितना उषमा निकल रहा है कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर टेन पॉइंट फाइव किलो कैलोरी पर मोल बच्चों आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी हीट निकलती है है ना जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ हीट निकलती है अच्छा अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपको बताते हैं डेफिनेशन uh, क्या है देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ओके uh, okay. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि ये देखिए आपका ये साफ साफ दिया गया है ठीक इन अ रिएक्शन इन विच हीट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन अगर उसमें हीट रिलीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा जैसे रेस्परेशन है रेस्परेशन भी एक तरीके से एक्जोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है ड्यूरिंग रेस्परेशन रिएक्शन वी इनहेल ऑक्सीजन द ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज एंड कन्वर्ट एड इंटू एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मतलब जो हम रेस्परेशन के समय क्या होता है जब रेस्परेशन ले करते हैं ड्यूरिंग रेस्परेशन रिएक्शन कैसे होता है वी इनहेल ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और यही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसके साथ रिएक्ट करता है और किसमें कन्वर्ट होगा एनर्जी बनाएगा और क्या देगा कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में वाटर देगा तो सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स सी ओ टू प्लस वाटर सिक्स एस टू ओ प्लस ए टी पी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बच्चों देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं सिक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सिक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यानी कि हमारा जो कार्बन यहां पर है सिक्स कार्बन है ना तो हमें यहाँ पर कार्बन सिक्स मिल रहा है वी एक्सहेल जनरेट दिस जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड और जब हम एक्सहेल करते हैं तो इसी को हम बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन फील दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक by कीपिंग a हैंड इन फ्रंट ऑफ आवर नोज while एक्सेलिंग हम इसको महसूस कर सकते हैं जब हम इनहेल करते हैं और एक्सल करते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है ठीक क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गर्म होता है वी फील दैट एक्सल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज वॉर्म चलिए कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देख लीजिए आप एग्जाम्पल फोर एन ए प्लस ओ टू इज टू टू एन ए टू ओ C plus O2 is equal to CO2, 2S2 plus O2 is equal to 2S2O, CO plus 2S2 is equal to CS3OH. सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर और वो uh, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो वाटर बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहे, बन रहे मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है मिथाइल एल्कोहल बन रहा है इस रिएक्शन में नोट इन दिस रिएक्शन प्रेशर ऑफ थ्री हंड्रेड फोर्टी ए टी एम इज मार्क्ड द एरो ठीक है यहाँ पर इस रिएक्शन में थ्री फोर्टी ए टी एम दिखाई दिखाई दे रहा है आपको है ना सी ओ प्लस टू एस टू जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर थ्री फोर्टी ए टी एम भी दिख रहा है तो एट ए टी एम का मतलब क्या हुआ एटमॉस्फेयरिक प्रेशर यानी कि थ्री हंड्रेड फोर्टी एटमॉसफेरिक प्रेशर होना चाहिए तब उस पर ये सी एस टी ओ एच का फॉर्मेशन होगा sometimes the reaction conditions which are necessary such as temperature pressure catalyst etc for the reaction are indicated above or below the arrow in the reaction in the equation बच्चों ये तो था आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये दो चीज़ें आपने पढ़ा अब आप देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ इस रिएक्शन में आ रिएक्टेंट इज़ ब्रोकन इंटू टू आर मोर सिंपल प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट होता है रिएक्टेंट वो क्या करेगा दो या दो, दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा जैसे कार्ण, जिंक कार्बोनेट है जेड एंड सी ओ थ्री का एग्जाम्पल दिया गया है जिंक कार्बोनेट का क्या कर रहा है ये कि ये 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 है आपका जिंक कार्बोनेट ठीक ये किस में टूट रहा है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इन द रिएक्शन वी हैव टू गिव हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट मतलब इसमें हम हीट दे रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट जनरेट नहीं हो रहा है या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पर हम हीट इसको दे रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए ठीक है जिंक कार्बोनेट को डम्पोज करने के लिए हम इसको हीट दे रहे हैं तो जिंक कार्बोनेट किस में डिकम्पोज होगा जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में अपने ही तो मॉलिक्यूल्स में ये डिकम्पोज होगा रिएक्शन इन विच हैव टू गिव हीट फॉर अक्रेंस ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक देखो एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था हीट बाद में निकल रही थी प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पर क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन में हीट दिया जा रहा है तो जब हीट दिया जाता है तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है यानी कि रिएक्शन इन विच वी हैव टू गिव हीट फॉर अक्रेंस ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूजली एंडोथर्मिक एज हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स इन कंपाउंड अंडर गोइंग डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन के लिए यहाँ पर हीट क्या दिया जा रहा है रिक्वायरमेंट है हीट की किस लिए रिक्वायरमेंट है कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ा जा सके तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ गिविंग हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन यू फर्दर डिडेड इंटू थ्री कैटेगरीज अच्छा हीट और डिकम्पोज हीट देने के बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से थर्मल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन तीन भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोडिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि वेन अ सब्सटेंस डीकम्पोज ऑन हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब उसको हीट दिया जाए और वो डिकम्पोज हो जाए तब ये हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक क्लाइम भी कहते हैं ये बहुत सारे यूजेस होते हैं इसकी मेन तो होता है सीमेंट बनाने में एंड व्हेन वी बॉयल लेड नाइट्रेट सोल्यूशन दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए लेट नाइट्रेट सोल्यूशन को जब हम गर्म करते हैं बॉयल करते हैं तो क्या होता है इट डिकम्पोज टू गिव येलो लेट मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्री पार्ट्स में कन्वर्ट होता है अगर हम लेट नाइट्रेट सोल्यूशन को गर्म करते हैं या बॉयल करते हैं तो ये हमें डिकम्पोज होकर क्या देता है लेट मोनोऑक्साइड देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन देता है देखिए इसका ये दिया गया है यहाँ पर टू पी बी एन ओ थ्री होल्ड ट्वाइस इज इक्वल टू टू पी बी ओ प्लस फोर एन ओ टू प्लस ओ टू वेन वी हीट ग्रीन कलर्ड फेयरस सल्फेट क्रिस्टल अगर हम ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं तब क्या होता है तब ये डिकम्पोज होकर रेड ब्राउन कलर में फेरिक ऑक्साइड देता है और क्या देगा सल्फर डाइऑक्साइड देगा और सल्फर ट्राई गैस कैसे देगा मतलब तीन पार्ट्स में ये भी कन्वर्ट हो रहा है टू एफ ई एस ओ फोर इज इक्वल टू टू एफ ई टू ओ थ्री प्लस एस ओ टू प्लस एस ओ थ्री टू एफ ई फोर क्या है फेरस सल्फेट है ठीक इसको जब हमने गर्म किया तब गर्म मतलब यहाँ पर हीट दिया जा रहा है तो हीट देने पर क्या हो रहा है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है अपने ही पार्ट्स में डिकम्पोज हो जा रहा है टूट जा रहा है तो क्या बना रहा है फेरिक ऑक्साइड बना रहा है एफ सल्फर डाइऑक्साइड एस सल्फर ट्राई SO3 ठीक जो ये जी कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गैस और एस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सॉलिड तो इसका मतलब फेरस सल्फेट जो था वो सॉलिड फॉर्म में था और उससे हमें क्या मिला फेरिक ऑक्साइड मिला जो सॉलिड फॉर्म में है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड ये दोनों गैसेस हैं तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रोलिस जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि इफ़ डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड अकर्स बाय इलेक्ट्रोलिस बाई इलेक्ट्रोलिसिस से मतलब ही यही हो गया कि इलेक्ट्रिक दिया जा रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलिस के द्वारा अगर कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है कंपाउंड टूट रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ले लीजिए एग्जाम्पल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर में पास करता है जब वाटर पानी में डाला जाता है इलेक्ट्रिक करंट, तब क्या होता है तब ये दो पार्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टू एस टू इज इक्वल टू टू एस टू प्लस ओ टू उसी तरीके से एलुमिन में अगर डालते हैं एलुमिनियम मतलब ए एल टू ओ थ्री अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तब क्या होता है तब ये एलुमिनियम में और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो ये हो गया दो एग्जांपल दो इसके पार्ट्स हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थर्मल डिकम्पोजिशन और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिट्रिक डिकम्पोजिशन तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन फोटो का मतलब क्या हुआ कि वेन सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एंड जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा गया तो यह क्या हो गया ग्रे कलर का हो गया ठीक है और क्यों हुआ ग्रे कलर का क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो गया किसमें सिल्वर और क्लोरीन में किसके थ्रू हुआ सनलाइट हुआ यानी कि यहाँ पर फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसको सनलाइट अगर मिल रही है तो सनलाइट की वजह से ये डिकम्पोज हो जा रहा है यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाएगा जैसे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में रखा सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जा रहा है टू ए जी सी एल इज इक्वल टू टू ए जी प्लस सी आर टू सिल्वर ब्रोमाइड का भी हम इसी तरीके से हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं ये तो सिल्वर क्लोराइड का हुआ सिल्वर ब्रोमाइड का भी डिकम्पोजिशन इसी तरीके से हो सकता है तो टू ए जी बी आर इज इक्वल टू टू ए जी प्लस ब्रोमिन बी आर टू यानी कि ए जी क्या है सिल्वर है और ब्रोमीन बी आर तो सिल्वर ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट हुआ सिल्वर में और ब्रोमीन में और इसका इस अब इसका जब ये आप समझ ही रहे होगे इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है फोटोग्राफी में किया जाता है दिस रिएक्शन इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ पर करते हैं ब्लैक है? एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं तो बच्चों ये था इसके पार्ट्स uh, और uh, अभी आप इतना ही समझिए आगे का और भी आपको बताया जाएगा आ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं और इसके बाद उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है इतना पढ़िए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद थैंक यू क्लास बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है या रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिसप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है जो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है वो एलिमेंट जो कम रिएक्ट करता है उस एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे लेड ऑक्साइड है लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या बना लेड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि कार्बन डिस्प्लेसेस लेड कार्बन किसको डिस्प्लेस कर रहा है लेड को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स कंपाउंड किस कंपाउंड्स के लेड ऑक्साइड कंपाउंड से और क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है इसका मतलब कार्बन ने जो है लेड को डिस्प्लेस कर दिया और लेड को डिस्प्लेस करने के बाद जो बचा ऑक्सीजन बचा उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया इसी तरीके से और भी एग्जांपल है जैसे कॉपर सल्फेट का है कॉपर सल्फेट के साथ आयरन रिएक्ट कर रहा है तो एफ ई एस ओ फोर बना प्लस कॉपर सी यू एस ओ फोर प्लस जेड एन इज टू जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू सी यू सी एल टू प्लस पी बी इज टू पी बी सी एल टू प्लस सी यू तो इसमें आपने देखा कि कैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और रिएक्ट तो जो बचता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है अच्छा तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की ये क्या होता है तो अ रिएक्शन इन विच देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे बी ए सी एल टू और है बी एस सी एल टू है और एन ए टू एस ओ फोर है इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बना बी एस ओ फोर बना और टू एन ए सी एल बना यानी कि बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन होता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है किसका रिएक्टेंट के बीच में जो आयन है आयनों का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है उसके बाद जो फॉर्मेशन हम मिल रहा है ठीक वो रिएक्शन ये पूरा रिएक्शन क्या कहला रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहला रहा है दोनों तरफ से रिएक्ट हो रहा है इस इक्वेशन में वाइट प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है बेरियम सल्फेट का बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है इस टाइप के रिएक्शंस को जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि इफ रिएक्टेंट आर एसिड एंड बेस अगर रिएक्टेंट जो है एसिड है और बेस है तब क्या होगा तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा ठीक जैसे एक एसिड ले लीजिए एक बेस ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेस है हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है एसिड है ठीक इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो क्या बना एन यानी कि सोडियम क्लोराइड या सोल्ट जिसको हम कहते हैं और उसके साथ में क्या रिलीज हो रहा है वाटर मिल रहा है तो ये तो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है वेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड ऑक्सीजन जो होता है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और उनके ऑक्साइड्स बनाता है ऑक्सीडेशन वर्ल्ड कम्स फ्रॉम द टाइप ऑफ रिएक्शन इसी टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हीं से ये वर्ल्ड निकल कर आया है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिवर्स ऑफ एवर रिएक्शन दैट मीन्स ए डिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज रिडक्शन देखो दो चीज़ें हैं एक ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन रिडक्शन में क्या होता है इसका जस्ट ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स फॉर्म फॉर्म है ये इसका मतलब रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड कंपाउंड से रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीजन का और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं और इसमें ऑक्सीजन निकल जाते हैं इफ एनी सब्सटेंस लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन देन इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इफ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन दैन रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन रिएक्शन इन मॉडर्न टाइम्स द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज एक्सटेंडेड एंड एसोसिएटेड विद लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस हैंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस लूज इज इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्ज अलेक्ट्रॉन ठीक सवल यह हुआ कि ऑक्सीडेशन uh, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि लूजिंग और गेनिंग अगर सब्सटेंस में लूज हो रहा है या गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का तो दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है सब्सटेंस से तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इन विच सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो रिडक्शन हो गया जिसमें लूज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो गया और जिसमें गेन हो रहा है वो रिडक्शन हो गया ठीक चलिए अब क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस देन वी से दैट अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड in this process the substance loses electron this is called oxidation reaction